हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 25 जुलाई के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे और जो प्रोजेक्शन बनाए वो आपके साथ मेरा व्यू शेयर करूंगा। तो पहले तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर देखिए एक रिजेक्शन कैंडल बनाया। यहाँ पर सेलर ओपनिंग किया, मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बाइंग प्रेशर मिला, फिर मार्केट में पूरा सेल किया, सेलिंग आया। सेलिंग के बाद यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया, जो यहाँ पर जो प्रीवियस जो सपोर्ट रेंज है ना, इसी पर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। अगर यहाँ पर इंटरडे के लिए देखेंगे तो अगर इंटरडे के लिए देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यू दिख रहा है। देखिए अगर सॉरी यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर की तरफ से। अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक अपर साइड से लिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जहाँ पर मार्केट ने बहुत बार रिटेस्ट किया। पहले तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया। जब भी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है तो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी कल के दिनों में मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है और इसको ब्रेकआउट करता है तो एक अपसाइड के लिए मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ये जोन बार बार टेस्ट हो चुका है। तो मार्केट अगर हाई लगाए तो इस जोन को हाई टेस्ट कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो पहले तो इस जोन के लिए अगर आएगा तो फिर रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्शन बनाए तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है मार्केट। अगर यहाँ पर दूसरा कंडीशन भी अप्लाई हो सकता है, अगर देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न बना है जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिला। अगर कल के दिनों में मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक बाइंग साइड के लिए पोजीशन हो सकता है और मार्केट टारगेट इस तरह का दे सकता है। अगर देखिए यहाँ पर अगर गैप अप मिला, यहाँ पर गैप अप मिला, गैप अप मिलने के बाद यहाँ पर मार्केट ने डायरेक्ट फॉल कर, और फॉल करने के बाद इस जोन के आसपास आ गया, तब भी देखिए इस सपोर्ट जोन से मार्केट यहाँ से एक रिवर्स ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन इसके नीचे आ गया फिर इसको हाई कर्स करेगा तो यहाँ पर एक बुलिस पैटर्न बनेगा अगर, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटी काम करेगा। एक तो कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है, दूसरा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में ट्रेडिंग हो सकता है यहाँ पर। अगर निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर चलिए निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी के, सॉरी निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। आज के दिनों में मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ था, ऊपर पुल बैक लगाया, इस जोन को बार बार मार्केट ने टेस्ट कर चुका है, ठीक है। अभी देखिए मार्केट अगर कल के दिनों में फ्लैट ओपनिंग होता है तो अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो इस तरह का इस ये जोन पे रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होता है ना तो यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा, सेलिंग कैंडल आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा और नीचे की तरफ यहाँ पर आ सकता है। अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू रहा तो नीचे की तरफ आ सकता है। अगर यहाँ से एक पुल बैक मिला और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना है तो यहाँ पर बाइंग का सीनेरियो बन सकता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर इस लो बनाया था, इस लो को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर लो बनाया, ठीक है। अगर आज के दिनों में देखें तो मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद देखिए इस लो को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर जो बायर था ना वो बायर इस जोन को जोन के आसपास नहीं आने दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया मार्केट को। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बायर अभी भी एक्टिव है। तो अगर कल के दिनों में यहाँ पर इस जोन को ब्रेकआउट अगर करता है तो पहले तो यहाँ पर एक जा सकता है मार्केट। अगर नीचे की तरफ आता है तो अगर देखेंगे अगर इस जोन को अगर इस जोन के नीचे आता है, पहले तो अगर इस जोन को नीचे आता है तो यहाँ पर एक थोड़ा बहुत इस ट्रेंड लाइन को आसपास मार्केट एक देखिए, पहले तो यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ कर लेंगे और दोबारा से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ सकता है, ठीक है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। तो कल के दिनों में मार्केट अगर ओपनिंग होने के बाद देखेंगे कि प्राइजेक्शन किस तरह से बन रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।